वेलकम बैक टू द रिएक्शन गाइस, दिस इज प्रधान, दिस इज प्रवास। सो गाइस, आज हम एक प्री टीजर के ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं और वो प्री टीजर एक सुपर हीरो के बारे में है। बिल्कुल। एंड कॉलोनियल एरा के जो सुपर हीरो हैं उनके बारे में है। सो उनके बारे में ब्रीफली रिदान आपको बताएंगे कि ये मूवी क्या है और ये प्री टीजर किसके बारे में, किन के बारे में है। सुपर हीरो ये क्यों, क्यों सुपर हीरो क्यों यार? या कौन, ऐसा क्या हो सकता है कि वो यू नो प्री इंडिपेंडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से उस इंडिया में काफी सारे सुपर हीरो पैदा हुए थे, कह लीजिए ना सुभाष चंद्र बोस जी, कह लीजिए चंद्रशेखर आजाद जी, कह लीजिए उन्हीं सुपर हीरो की लीग में हमारा एक लीग था। या हमारा एक लीग था, उस लीग के एक एक और सदस्य थे ज्योतिन्द्रनाथ मुखर्जी सर, और यू नो और उन्हें बागा ज्योतिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने हाथों से एक रॉयल बंगाल टाइगर को जख्मी किया था। मैं यहाँ पे हमको यहाँ पे फिक्शनलाइज कोई स्टोरी नहीं, ये नहीं, ये रियल इंसिडेंट है। मैं हाथों से उन्होंने किया था, इसी वजह से उनको एक चांदी का शील्ड दिया गया था, सम्मान। हम यहाँ पे इसे ग्लोरीफाइड नहीं करें कि वो उन्होंने सिर्फ एक रॉयल बंगाल टाइगर को मारा था इसलिए वो सुपर हीरो हैं। अगर आप उनके कुछ कुछ इंसिडेंट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे या फिर इस टीजर में देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि उन्हें बंगाल टाइगर क्यों कहा जाता है। ही नहीं कहा गया, वो अगर शेर से लड़ सकते हैं तो ये जो विदेशी थे उनके लिए तो मतलब हाथ की मैल थी। तो लेकिन उनको भी हराने के लिए गोली चलानी पड़ी, वरना वो झुकने वाला इंसान था नहीं। ब्रिटिशर्स जो थे वो एक कावड़ थे, बहुत कमजोर कमजोर थे वो, कावड़ थे, डर जाते थे। आता है क्योंकि जो इंडियन हाथों की जो ताकत है उनके शरीर के, जो जो शेर से लड़ लिया वो अंग्रेज से क्या नहीं लड़ पाएगा, फाड़ के रख देते। तो इसी डर की वजह से उनको गोली चलानी पड़ी ताकि उनको शांत किया जाए, वरना जो अहिंसा से सिर्फ बातें होती है, हिंसा से आजादी मिलती है, आजादी मिलती है। सो गाइज, यही कहते हुए हम बंगाली प्री टीजर बागा ज्योतिन के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं, जो एक देव का प्रोडक्शन है और देव काफी बढ़िया जा रहे हैं। वी आर प्राउड ऑफ देव एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। सो चलिए जाते हैं उसके कंटेंट के ऊपर रिएक्शन देते हैं एंड वी फाइंड आउट। बाय द वे, इसी कंटेंट के पहले हम बंगाली टीजर के ऊपर फोकस करेंगे, ये मैं बताना ही भूल गया। पहले बंगाली टीजर के ऊपर हम रिएक्शन देंगे, उसके बाद फॉर ग्लोबल ऑडियंस वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द हिंदी टीजर। सो बाय सीइंग दिस, लेट्स गो अहेड राइट नाउ। ज्योतिन मुखर्जी हॉय लड़े गुड मैन ना हॉय वाओ नाइस शॉट ओ बॉडी ना जस्ट लुक एट ओ Good, yeah. Oh God, just look at it. Yes. Vande Mataram. Yeah. So guys, we reacted on the official teaser for Baga Jyotin, Bengali teaser पे हम लोगों ने reaction दिया है। It was stupendous. Yeah. It was wonderful. ये pan level, global level का ही लग रहा है guys. Dave, you did it. Yeah. You did it, यार. Seriously, आपने वो जगह आपने वो पा ली है। आपने ब्योमकेश बख्शी और दुर्गो रहस्य आपने उसके ऊपर काम किया था। It is a wonderful trailer and teaser which we enjoyed. Yeah. और here we go. You are going to get big releases for Bengali film industry. आपने कदम बढ़ाया है, बहुत बढ़िया कदम लिया है आपने, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में गाइस सभी बात करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पर अब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सभी बात करेंगे, स्पेशली देव के बारे में। राइट, सो मेक वे फॉर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री फाइनली। या और हमने तो बंगाली जो प्री टीजर था उसके ऊपर रिएक्ट किया, अभी जो हिंदी वर्जन है उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। Absolutely. देखते हैं कि इसका मतलब कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। Absolutely. So let's go. Let's go. ज्योतिन मुखर्जी या तो लड़ता है ये वाला शॉट काफी अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। पकड़ा नहीं जाता। सुपर
शेरों का शेर बाघा वीरों का वीर वो नस्ले हिंदुस्तान। सो गाइज वी रिएक्टेड ऑन बोथ दी टीजर फॉर बागा जोतीन, बंगाली और हिंदी दोनों में हम लोगों ने रिएक्शन दिया है एंड दोनों ही भाषाओं में इट लुक्स रियली गुड। डायलॉग्स में एनर्जी लेवल नहीं है, में कोई कमी नहीं आई है। एग्जीक्यूशन में काफी ज्यादा यहाँ पे मेहनत की गई है क्योंकि RRR की जो स्पेशल इफेक्ट टीम है उसी को इस फिल्म में यूटिलाइज किया। रियली देव ने, सुपरस्टार देव ने, उन्होंने खुद ही कहा था कि ईदर आई विल मेक इट परफेक्ट और आई विल नॉट मेक दिस फिल्म एट ऑल। यही एक फिल्म मेकर या फिर ये एक right. एक जो फिल्म डेडिकेशन ये वाला होना चाहिए या जो फिल्म से प्यार करते हैं right. जो मूवी से प्यार करते हैं, जो उनका यही एक थॉट रहना चाहिए कि यहाँ पे कुछ लो क्वालिटी जो चीजें होती, क्वालिटी के वाले जो चीजें होती है वहां पे डाल के अगर आप चाहते हो कि अच्छी तरह से अगर कुछ प्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको एज अ प्रोड्यूसर, इससे पहले भी मैंने बताया कि देव सर इससे पहले अपनी जो मतलब देव वेंचर्स जो है, एंटरटेनमेंट वेंचर्स है, उससे पहले जितने भी पैनल के अंदर वो काम करते थे वो खुल के इंडिपेंडेंटली वो काम नहीं कर पा रहे थे। अब जाके उनका जो नजरिया है एक लिबर्टी मिलती है, लिबर्टी मिलती है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था रिगार्डिंग देव के, अभी वो जब खुद को मौका दे रहे हैं कि मैं सब कुछ एक्सप्लोर कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत सारे ऐसे फिल्म्स बनाई हैं, बागा जोतीन के बारे में कह लीजिए, रिसेंटली एक देयर वाज अ फिल्म व्हिच वाज रिलेटेड टू फुटबॉल एंड गोलंदाज राइट, गोलंदाज, रियली सॉरी वो नाम मैं भूल गया, गोलंदाज कहिए या फिर चादर पहाड़, चादर पहाड़ वन और टू, अमेज़न ओबिजान, वो भी शायद उनकी प्रोडक्शन थी राइट। सो आप इट इज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हिच वी हैव गेन्ड, सो मेनी फिल्म्स, सो मेनी देव Yeah. कोई और एक्सप्लोर नहीं करता है। ये कहानियां हैं जो हमें सुननी चाहिए, हमें बतानी चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली भी कहा था कि हमारे देश के बारे में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हर जगह पहुंचनी चाहिए, वो बताने वाला होना चाहिए कोई। और अगर देव के लेवल का कोई अगर सुपरस्टार हो जो इसका बीड़ा उठाता है कि चलो हम जाके बताते हैं yeah. तो एक एक एनर्जी मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, एक और एक बहुत भरोसा आता है। और गाइस बागा जोतीन के बारे में अगर बात करें, वो बंगाल के ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर थे या वो शेर थे, बंगाल के, बंगाल के भी कहेंगे और पूरे हिंदुस्तान के भी कहेंगे, शेर हैं क्योंकि गाइस नेताजी से पहले, नेताजी ने अगर आप समझ रहे हो कि वो अग्रेसिव थे, वो उनको एक सुपर हीरो मानते हो तो वो अग्रेसिव है तो ये कौन है यार, ये कौन है उससे पहले, ये प्रीक्वल वर्जन है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि किन तरह के फ्रीडम फाइटर थे वो। और जैसे कि हमने वीडियो के रिएक्शन से पहले भी उनके बारे में बताया कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें गोली मारनी पड़ी थी, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रिटिशर्स बहुत ही कावड़ रहते थे और बहुत दिल है, तो लड़ने के लिए वैसे ही करना पड़ता और बहुत ही कमजोर टाइप के थे वो, मतलब डरपोक थे, फिर भी बहुत ज्यादा देर रह नहीं पाए बेचारे। हमारा जितना भी लूट के गए उसको हजम भी नहीं कर पाते हैं, और इतना चोरी का हजम करने के बाद भी हम आज भी देखिए उनके देश की हालत क्या है, मतलब इतना चोरी के बाद भी वो हजम नहीं कर पाए, हमसे आगे भी नहीं बढ़ पाए यार, इतना लेके गए हो फिर भी कुछ नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेट फॉर यू गाइज। बट एनी वे भारत कहाँ रुकता है, इंडिया नेवर स्टॉप्स, वी डोंट केयर। यहाँ पे एक मजे की बात ये है कि मैंने बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स को देखा जिनकी खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, पर उनके जो प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे ना तो आपको हंसी आ जाएगी। लंदन चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, पर ठीक है यार, यहाँ पे अगर सुपरस्टार देव की अगर बात करेगा, मतलब मैं दिन ब दिन जितनी भी उनकी प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ मैं इम्प्रेस होते जा रहा हूँ। मुझे मतलब मैं हर वक्त जो भी प्रोजेक्ट्स मैं देख रहा हूँ, चाहे वो काचेर मानुष हो, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो टॉनिक हो, या फिर आप किशमिश हो, या फिर और भी कई सारी मूवीज वो यहाँ पर प्रोड्यूस कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये बंदा दिन ब दिन उसके प्रोजेक्ट्स इम्प्रूव होते जा रहे हैं, और ये भी कहा जा सकता है ग्लोबल लेवल भी पहुंचता जा रहा है, और ये भी कहा जा सकता है कि देव खुद से संतुष्ट नहीं है, वो चाहते कि इससे भी बेहतर करे, इससे भी बेहतर। सो द पर्सन हु लुक्स फॉर परफेक्शन विल श्योरली अचीव इट समडे। परफेक्शन तक अगर नहीं पहुंचता है तो उससे भी थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन परफेक्शन से कम नहीं हो। मैं ये भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों में मैं बॉलीवुड में भी मैं बंगाली
फिल्म इंडस्ट्री के कोई मूवी वहाँ पे देख सकूं और वहाँ पे या फिर ऐसा भी हो कि बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स यू नो दे आर गोइंग टू कोलैबोरेट विद बंगाली फिल्म इंडस्ट्री जो साउथ के साथ आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वेट कर रहे हैं कब बॉलीवुड आएंगे ऐसा कुछ नहीं है कि नो नो ऐसा कोई चांद सितारे नहीं है कि वहां से आने वाले नो नो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब अब ग्लोबल लेवल में जो मतलब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को पहुंचना चाहिए मैं हर वक्त मैं यही सोचता हूं गाइस कि अच्छा है आप बंगाली मूवी इंडस्ट्री में मूवी बना रहे हो ठीक है पर सबके पास पहुंचनी चाहिए सबको देखनी चाहिए हमारी मूवी क्यों हम अकेले ही देखें सबको दिखाएं क्योंकि अगर साउथ की मूवी के बारे में बात करें तो आजकल उनसे ज्यादा नॉर्थ इंडियंस के जो फैंस है उनसे ज्यादा साउथ इंडियंस से ज्यादा वो एंटिसिपेट रहते हैं कोई प्रोजेक्ट को लेके कोई फर्स्ट लुक कोई अनाउंसमेंट रहता है तो हमारी बंगाली इंडस्ट्री भी क्यों पीछे रहे एब्सोल्युटली सो वो देव कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि अब बंगाली टीजर निकली उसके बाद हिंदी टीजर को भी उन्होंने निकाला द लैंग्वेज एंड द रीच ऑफ द लैंग्वेज इज इम्पोर्टेंट या सो जैसे हमें पता है कि ये फिल्म दुर्गा पूजा के दौरान रिलीज होने वाली है ड्यूरिंग 28th of October 2023 सो मार्क योर कैलेंडर्स कि ये फिल्म देखनी है बॉस और इस मूवी के जो डायरेक्टर है अरुण रॉय का जो यहाँ पे एग्जीक्यूशन है गाइस मुझे काफी बढ़िया लगा और यहाँ पे म्यूजिक के बारे में स्पेशल क्रेडिट्स नीलायन चटर्जी यू डिड अ वंडरफुल जॉब वी लव द म्यूजिक एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक व्हिच ही और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के बारे में बात करें तो गोपी भगत जिन्होंने जो डायरेक्टर ऑफ डीओपी यहाँ पे दिया है कुछ शॉट्स मैंने यहाँ पे देखे गाइस मुझे काफी मतलब ब्यूटीफुल और मुझे उस वक्त का उस एरा का जो वहाँ इमोशन है वो मुझे यहाँ पे फील कराती है जो वाइब आती है यहाँ पे सो हम लोगों ने प्री टीजर के ऊपर रिएक्शन दिया है वी आर गोइंग टू वेट फॉर टीजर एंड मे बी द ट्रेलर एज वेल तो हम लोग जरूर अवेलेबल रहेंगे तो लेकिन आप भी अवेलेबल रहिएगा हमारे चैनल पे टू सब्सक्राइब इट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल में जाके क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे हर दौरान हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी जाके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने थॉट शेयर कर सकते हैं वी आर इन फेसबुक ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू कम बैक टू आवर चैनल कमेंट्स पे जरूर शेयर कीजिए आपको क्या पसंद है क्या नहीं और यही कहते हुए हम सब मिलके सारे भारतीय आजादी के 77 साल की स्वतंत्रता को सेलिब्रेट करेंगे और यही कहते हुए वी सी प्राउडली जय हिंद।